आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 जो कि मनोहर प्रकाशन का है, एनसीईआरटी पैटर्न। आज हम लोग इसके प्रश्नावली 1B के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले बता दें हम आप लोगों को, 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को बता दिया जा चुका है। इसमें 2 होमवर्क भी दिया गया था जो सभी बच्चों ने लगभग कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया अभाज्य गुणनखंड भी दिया जा रहा, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको क्या करने हैं, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इसका। ये हमारा पिछले क्वेश्चन का दिया गया था, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे से करेंगे। ये हमें नंबर्स दिया गया है कौन सा, 12, 15 और 21। तीसरे का फर्स्ट है ये 12, 15 और 21। इसका क्या करना है, हमें एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर छोटा छोटा है तो डायरेक्ट इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 12, 15, 21 इक्वल टू सभी के आगे। अब 12 कितनी कितनी संख्याओं से कटेगा, तो 12 जानेंगे 1 से भी कट सकता है। 1 से कटने के लिए तो सारा नंबर से कट जाएगा, तो 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा। 3 से भी कटेगा, उसके बाद से कैसे कटेगा ये, वैसे तो 2 से दो बार में कटेगा, 2 2 4 2 6 12 और 2 3 6, तो 2 दो बार में लिख लीजिए, उसके बाद से एक बार 3। 15 कितनी बार में कटेगा, तो 15 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर से 5 से कटेगा। 21 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन मिल रहा है, 1 सब में कॉमन है। उसके बाद से देखिए 2 हमारा 2 कॉमन नहीं है सब में, 3 देखिए 3 भी हमारा सब में कॉमन मिल रहा है, यानी कि हम 3 को ले सकते हैं। तो हमें क्या लिखेंगे, एलसीएम पहले लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या आएगा, 1 लेने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से उसमें तो 1 उतना ही रहेगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 करेंगे, 2 लिख रहे हैं। उसके बाद से फिर से एक 2 है, दो बार 2 है, 2, 3, 3 सब में 3 एक बार लेंगे, उसके बाद से 5, उसके बाद से 7। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करने के बाद से कितना प्राप्त होगा, तो ये हमें मल्टीप्लाई करने के बाद से हमारा प्राप्त होगा 420। ये क्या प्राप्त होगा, हमें 420 प्राप्त होगा। अब इसका एच सी एफ लिखेंगे, एच सी एफ बराबर कितना होगा, तीनों में जो कॉमन है वो 3 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है, हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा। तो इस प्रकार से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सिंपल और आसान है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है उसको भी। उसके बाद से देखिए 17, 23 और 29, इन सब का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से, उसके बाद से नंबर क्या के दिए गए हैं, तो नंबर में हमारे दिए गए हैं 17, 23 और 29, ये दिया गया है। लिखेंगे 17, 23, 29। अब देखिए 17 किसी और नंबर से विभाजित होगा, या तो 1 से होगा तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, 17 और किसी विभाजित होगा तो स्वयं से विभाजित होगा, 17 लिख सकते हैं। अब 17 इंटू 1 करने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, 17 वन जो 17 ही होता है,
23 किसी भी आयुत होगा, 1 से होगा, और किससे होगा, 23 स्वयं से होगा। 29 ठीक उसी प्रकार से 1 से होगा और खुद से 29 स्वयं से विभाजित होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है सब में, 1 हमारा क्या है, कॉमन मिल रहा है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, तो जो भी एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, जो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर जो हमें कॉमन मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको सबको लिखेंगे। तो कॉमन में मल्टीप्लाई करने पर एक से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, फिर भी अगर है तो लिख लीजिए 17, 23 और 29, ये हमारा क्या है, नंबर है। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त कितना होगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर हमें जो प्राप्त होगा, आइए करके देखते हैं, तो 17 और 23 और 29, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 11,330 339 प्राप्त होगा। और HCF कितना होगा हमारे पास, HCF हमारे पास आएगा 1, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है, 8, 9 और 25, जो कि इसको आप लोगों को स्वयं से सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम बिल्कुल इसको सॉल्व करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को क्लास 10th NCERT मैथ में सभी क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त हो सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकें।